Okay, this is what really happened. So I took my drone to fly over the guideless suspension bridge, but the guards over there did not really allow me. And there was one more thing that I didn't want to take my chance, because I really don't know how to fly this thing. I just know how to take it up and bring it down. But had I been a pro, I would have definitely tried my best. So let's see where we can get some good shots. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better. We reached the next part, that is walking 2 kilometers to Guyana. Future is now. हाँ, तो आपने मेकअप किया है? हाँ, मेकअप किया है. ऑफिस में क्या होता है कि प्रोफाइल फोटो खींचनी होती है, ठीक है? तो उसमें क्या है कि लड़कियों को जितना मेकअप जरूरत है उतना लड़कों को भी चाहिए होता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा. यहाँ पे हमें एक नीला ट्रैक्टर दिखाया जो कि बहुत ही सुनहरा, नहीं बोलूंगी. अच्छा, आप कभी भी जब किसी हाइकिंग ट्रेल में जाते हैं तो हमारी आदत रहती है कि चले जाओ भैया, कैसे भी कहीं कुछ भी, क्या टेंशन है, है ना, जूते पहन के. हाँ, तो आज भी वही परंपरा बरकरार है. ट्रैकिंग करने आए हैं और ये वाला जूता पहन के. हमारे साथ एक ही सुलझा हुआ बंदा है जिसने प्रॉपर जूते पहन के आया हुआ है. द थिंग विद एनी हाइकिंग ट्रेल्स इज दैट यू शुड ऑलवेज कैरी समथिंग टू ईट विद यू, बी इट अ 2 आवर हाइक और अ 3 आवर हाइक, वट एवर मे इट बी. यहाँ पे लोग ब्रेड्स, टमेटो, मोज़रेला चीज़ और तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ में कैरी करते हैं. एंड दैट्स अ वेरी फुलफिलिंग लंच. और हम अपने साथ लेके आए हैं चावल, आलू, जिसको खाने के बाद आदमी सोता है. चेरापुंजी में हाइक कर रहे थे तो वहाँ पे खूब ब्रिजेस होते हैं, तो नीचे ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतनी से सरियों के वो बने हुए पाथ, यूं पकड़ के आप चल रहे हो, पूरे झूलते हुए उस पर. सो वी हैव वॉक्ड ऑलरेडी 1.7 किलोमीटर, सॉरी वी वॉक्ड फ्रॉम P2 P3, राइट? सो वी वॉक्ड ऑलरेडी 2.3 किलोमीटर्स, द गायली ब्रिज इन 100 मीटर्स. आज आए हैं हम गायले सस्पेंशन ब्रिज, जो कि हुंसरुक एरिया में है. एंड दिस इज लोकेटेड बिटवीन 2 villages, एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इज मोर्सडॉर्फ, एंड द अदर पार्ट ऑफ द अदर साइड ऑफ द ब्रिज इज ज़ॉसबर्ग. एंड नमन यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है जो मैं बोल रही हूँ. एंड यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है, घड़ी का है, घड़ी नहीं है, अभी टाइम 11:55, थैंक यू. अभी टाइम हो रहा है 12:05 है, और हमें यहाँ पे अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑड इवन रूल चल रहा है अरविंद केजरीवाल का.
बिकॉज यहाँ पे कोरोना की वजह से ब्रिज पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और उसी चक्कर में लोगों को लिमिट करने के लिए ऑड इवन रूल चल रहा है, मतलब कि आप ले लीजिए याद करिए जो दिल्ली में ऑड इवन रूल चला था, बस वैसा ही रूल है कि हमें यहाँ पर एक घंटा वेट करने के बाद एंट्री मिलेगी। वहाँ पे वो गार्ड्स खड़े हैं और जो रोक रहे हैं कि रुक जाइए। कि हमारा जो लाइन में वेट करने का जो रीति रिवाज है वो बचपन से चला आता आ रहा है। तत्काल की लाइन में इतना रुके हैं, 4 बजे लगते थे, नहीं 3 बजे लगते थे सुबह के, और तब जाके 6 बजे काउंटर खुलता था और 7 बजे तक खुशी मुंह पे होती थी टिकट लेके निकल रहे हैं। वैसे ऐसा लग रहा है कि लाइन आपके पीछे से ही शुरू हो रही है, तो क्या अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं वहाँ पे है डायलॉग तो बोल दो, जहाँ से हम शुरू होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है, जहाँ हम खड़े होते हैं। अच्छा, जहाँ हम खड़े होते चाय 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 चाय। फाइनली अब एक घंटा कितना एक घंटा वेट कर, 1 घंटा 10 मिनट वेट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं। जी कहाँ पहुँचे? वैष्णो देवी। तो अभी आ गए हैं हम बुर्ग, यार बुर्ग क्या, एल्स कैसल। ये अगेन आउट ऑफ द मैनी 100 कैसल्स इन जर्मनी, देयर इज अनदर कैसल दैट वी आर विजिटिंग एंड आई होप ये अच्छा हो। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कैसल? That we are not going inside this castle. That's the special thing about this. And it was not destroyed in the war at all. It's one of the very few castles which was not destroyed in the war at all. And it was being built from in 1100. And this castle is being maintained by the family who had lived in 1100 years. Oh yes. So and basically, same family is owning it. Yeah. Unki family jo aage ki family hai, wo hi unko abhi run kar rahi hai. हम लोग पहुंच गए हैं जिसके लिए हमने वॉकिंग ट्रेल लिया था और ये है वो कैसल। Well, this walk from the castle to the parking lot was almost like 15 minutes for us.
Usually if we walk slow it can be 30 minutes also, but we took kind of 15 minutes over here. तो 15 मिनट में आप कर सकते हैं, बट होता ये है कि आप फ़ोटो लें, फ़ोटो लेते लेते टाइम का पता ही नहीं चलता।